देवखंड के टीकमगढ़ जिले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उमा भारती के भतीजे राहुल से लोधी अपने 41वें जन्मदिन पर 41 केक तलवार से काटते नजर आ रहे हैं। यह मामला टीकमगढ़ जिले का खड़गपुर का है। उमा भारती के भतीजे और बीजेपी विधायक अपने 8 साल के बेटे के साथ मंच पर तलवार से केक काटते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके समर्थक तालियां बजाते देखे गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी मंगलवार को अपने जन्मदिन पर रासलीला कार्यक्रम में समापन के मौके पर मंच पर तलवार से 41 केक काटते दिखाई दिए। इस मामले पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि तलवार की केक काटकर बीजेपी विधायक क्या संदेश देना चाहते हैं। खड़गपुर की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रही है। बीजेपी विधायक तलवार से केक काटकर जनता को डरा रहे हैं, लेकिन जनता अब किसी के डर और बहकावे में नहीं आएगी। बता दें कि कांग्रेस के एक पूर्व विधायक की अपील पर विधानसभा चुनाव में नामांकन भरने के दौरान साक्ष्य छिपाने के आरोप में राहुल सिंह लोधी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन पर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप है। श्री राज बिहारी के चरणों में समर्पित करते हुए हमारे आदरणीय भैया जी